कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन, मैं शिवानी गुप्ता पठानकोट। आज फिर एक बार फिर मैं आप सबके साथ अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस जो है शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं 2017 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी और मैंने उस समय भगवद गीता का अध्ययन किया और अभी भी मैं भगवद गीता का अध्ययन कर रही हूँ। मल्टीपल रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ और मैंने हर बार भगवान के साक्षात दर्शन पाए हैं, जिसको हम सब डिवाइन एक्सपीरियंस के रूप से जानते हैं, दिव्य अनुभव जिसे हम कहते हैं। फ्रेंड्स, डिवोटी एसोसिएशन ये मैंने अपनी लाइफ में देखा, बहुत पॉजिटिविटी जो होती है वो सच में वर्क करती है और डिवोटी एसोसिएशन होने से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गोलोक एक्सप्रेस के बहुत सारे भक्त जिनके पास लड्डू गोपाल हैं, वो उनका श्रृंगार कर उनकी फ़ोटोज़ को शेयर करते थे और वो देखकर मेरा मन जो था प्रभु के चरणों में बहुत ज़्यादा लीन हो जाता था और मैं भगवान से ये डिज़ायर करने लग जाती थी कि प्रभु, वैसे तो मैं आपकी सेवा करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये भाव जो है मेरा लगता है आपको कि मैं सेवा कर सकती हूँ, तो प्लीज़ प्रभु आप मेरे घर भी आइए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये डिज़ायर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक्चुअली मैं मेरे पास पहले भी छोटे से लड्डू गोपाल थे, लेकिन कभी मैंने उनकी इतनी सेवा नहीं की थी, लेकिन डिवोटीज़ को देखते हुए मेरा बहुत मन करता था मैं भी सेवा करूं, श्रृंगार करूं, उन्हें भोग लगाऊं, हर एक फेस्टिवल को उनके साथ मनाऊं। बस भाव बढ़ रहे थे, प्रेयर्स हो रही थी, कॉन्टीन्यूसली प्रेयर्स हो रही थी और जब मैंने ये विचार बनाया कि मैं लड्डू गोपाल लेती हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि लड्डू गोपाल आप वैसे तो अपनी सिटी से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लड्डू गोपाल जो हैं वृंदावन से आए और श्री बांके बिहारी लाल के मंदिर से माथा टेक के आए, तो वो बहुत ही लकी कहलाए जाते हैं। पर तब लास्ट ईयर 2021 में जब मई जून में लॉकडाउन लगा था, तब तो वहाँ जाना इम्पॉसिबल था और तभी ये भाव मेरे मन में भर रहे थे। तो मैंने कहा मेरी फैमिली तो अलाउ नहीं करेगी और मुझे सेवा करनी है, प्रभु को मेरे घर आना ही पड़ेगा, जैसे तैसे मुझे उन्हें अपने घर लाना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भाव स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स हो रही थी और वृंदावन जाना तो इम्पॉसिबल था। अचानक से मैं देखती हूँ मेरी एक फ्रेंड करनाल से वृंदावन जाती हैं, मैं उनका एक स्टेटस चेक करती हूँ और उसे मैसेज करती हूँ कि यार मेरे लिए लड्डू गोपाल ले आओ बड़े से रूप में और राधा रानी के साथ लाना, मैं राधा रानी की भी सेवा करना चाहती हूँ। बस इतना कहा और साथ में ये भी कह दिया कि अगर समय मिले तो बांके बिहारी के मंदिर में माथा टेक के लाना। बस ये बात कही और बात वहीं ख़त्म होगी। और उसने कहा अगर वहाँ रश नहीं होगा तो मैं ज़रूर आपकी ये जो डिज़ायर है वो पूरी करूँगी और लड्डू गोपाल लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद उसका मैसेज मुझे आता है कि दीदी मैं आपके लिए लड्डू गोपाल ले आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी और मैं इतनी खुश हुई, मैंने प्रभु का इतना ज़्यादा धन्यवाद किया कि प्रभु ने मुझे सेवा का एक और मौका दिया है, अब मुझे उनकी भी सेवा करनी है। फ्रेंड्स, आप मानेंगे नहीं, ये विश्वसनीय करने योग्य बात भी है और कई लोगों को ये लगेगा नहीं। देखिए, मैं एक भक्त, अपने आप को भक्त भी, प्योर भक्त भी नहीं कह सकती, लेकिन कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन मैंने किए कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकली, एक भी कदम मैंने अपने घर से बाहर नहीं निकाला और प्रभु मेरे लिए वृंदावन से चलकर पठानकोट मेरे घर में आ गए। प्रभु, देखिए ये भगवान के साक्षात दर्शन नहीं है तो क्या है? यही में यही दर्शन हम सबको होते हैं, जो हम जिसे हम दिव्य अनुभव कहते हैं। प्रभु उस दिन 11 जुलाई 2021 को मेरे घर आए, वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है और आज मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैं नहीं कर रही, वो करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, भक्ति के रास्ते में, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलिए, भगवान पे श्रद्धा विश्वास और प्रेम रखिए, तो देखिए आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे और भगवान ऐसे प्यारे प्यारे दिव्य अनुभव से आपको अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे।
तो भाव जो भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक भावों का भूखा हूँ, और ये मैंने महसूस किया। तो मैं आप सब के लिए भी प्रेयर करूँगी कि आप सब भी इस रास्ते पर चलिए, आनंद ही आनंद है चारों तरफ। लास्ट में मैं आप सबको इतना कहना चाहूँगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल।